हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस नॉलेज हब में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ई पास अप्लाई ऑनलाइन के बारे में बताने वाला हूं। इस कोरोना महामारी के दौरान जो लॉकडाउन चल रहा है विभिन्न क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में जो लॉकडाउन है, इस दौरान आप जो कहीं की भी यात्रा करना चाहते हैं तो उस यात्रा के लिए आपको एक ई पास बनाना होता है। तो ये ई पास कैसे ऑनलाइन होता है और इसके क्या प्रोसेसिंग है, किस तरीके से आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि आप ई पास कैसे बना सकते हैं, ये ई पास क्या है, कैसे इसको ऑनलाइन करते हैं, कैसे आप इसकी स्टेटस चेक कर सकते हैं, ये कितने दिन में अप्रूवल हो जाता है और इसे रिजेक्ट होने का कारण क्या हो सकता है यदि आपका ये रिजेक्ट होता है तो, ठीक है, और कहां से जाकर आप इसको ऑनलाइन कर सकते हो, ये सारी प्रक्रिया मैं इसमें आपको समझाने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, यदि आप हमारे वेबसाइट www.mshub.com पर जाकर भी आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, वहां से भी इसको दे, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या है, ई पास क्या है। तो ई पास के लिए मैंने आपको बता दिया है कि जो भी अभी क्षेत्र में जहाँ भी लॉकडाउन चल रहा है और उन लॉकडाउन में जो भी प्रकार के जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं या कर्मचारी हैं जो आपातकालीन सेवाओं में लगे हुए हैं या सरकारी कर्मचारी हैं जिनका आवागमन जरूरी है, जरूरी खाद्य जो पदार्थ हैं उन्हें बनाने वाली कंपनी या उनमें कार्यरत करने वाले जो कर्मचारी हैं या दवाई बनाने वाली कंपनी है या उनमें कार्यरत करने वाले जो कर्मचारी हैं और जो कोरोना के दौरान जितने भी सरकारी या प्राइवेट जो कर्मचारी जो कोरोना सेवा में लगे हुए हैं तो उन्हें कहीं भी आवागमन के लिए कहीं भी जाने के लिए एक पास की आवश्यकता होती है, अर्थात उन्हें एक पत्र दिया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिया जाएगा, उसे ही ऑनलाइन पास कराया जाता है। तो ये ई पास जो है ये सरकार ने जरूरी किया है। इसके लिए आप सबसे पहले अपने किसी भी ब्राउजर में जाकर के जो है google.com खोल लीजिएगा और गूगल में डालिएगा आप अप्लाई ऑनलाइन ई पास, ठीक, ये इतना डाल दीजिएगा। उसके बाद जो है आपको एक यहाँ पर लिंक मिलेगा, वेलकम टू ई पास यूपी, ठीक है, यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो वेलकम टू ई पास यूपी, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये इसका वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा, ठीक है, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके बाद यदि देखिए आपको इसमें जो है अप्लाई करना है तो यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं आपको, अप्लाई ई पास, ट्रैक योर एप्लीकेशन और लॉगिन। तो आपको इसमें करना है अप्लाई ई पास। अप्लाई ई पास पर आप अप्लाई करने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ पर एक इसकी विंडो खुलेगी, इस विंडो में आपको क्या करना होता है, यहाँ पर अपना आप मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको जो है इसमें एक OTP आएगा और वो OTP आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको एक कैप्चा कोड डाल देना है, उसके बाद यहाँ कर देना है जनरेट OTP। जनरेट OTP करने के बाद आपको एक विंडो दोबारा से खुलेगी और ये विंडो में जो है आपको यहाँ पर OTP डालना है, ठीक है, OTP आ गया है, मैं इसमें OTP डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद इसको सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट विंडो खुलेगी इसमें आपका फॉर्म होगा, ठीक, ये आपके सामने फॉर्म खुल चुका है, केवल और लॉकडाउन की अवधि के लिए मान्य, अर्थात ही जब तक ई पास जब तक मान्य होगा जब तक लॉकडाउन चल रहा है या जब तक लॉकडाउन बढ़ने वाला है। तो अभी इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको जो मोबाइल नंबर शो होगा यहाँ पर आपको एप्लीकेंट नेम डालना है, आपका नाम क्या है, दूसरे उसके बाद इसमें तीसरा ऑप्शन आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पर आपको जेंडर चूज करना है, आप मेल फीमेल जो भी है, कंप्लीट एड्रेस डालना है आपको और जो आपका पास का एरिया है यानी कि आप डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाना चाहते हैं या डिस्ट्रिक्ट के ही बना चाहते हैं, यानी कि अपने जिले से बाहर या जिले के अंदर ही आप कहीं जाना चाहते हैं या दिल्ली में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ से चूज करना होगा, ठीक। उसके बाद आपको जो अपना डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा, आप कौन से जिले से आप हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर जो है तहसील, जो आप तहसील से हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की तहसील होती है उस तहसील को यहाँ पर डालेंगे, और उसके बाद जो आपको पास या फिर स्वयं के लिए पास अप्लाई करना चाहते हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो आपको उसमें स्वयं डालना है क्योंकि आप स्वयं से अप्लाई करेंगे, और सर्विस टाइप में आपको डालना है किस टाइप की, यह भी जो विंडो है ये खुल नहीं रही क्योंकि आपको यहाँ से ऊपर से डिटेल भरते हुए लाना है, ठीक है, जब आप डिटेल भरते हुए लाएंगे तो इसमें आपको ऑप्शन आएंगे किस टाइप की आपकी सर्विस है तो वो सर्विस आपको यहाँ चूज कर लेनी है। वे चूज करने के बाद आपको यहाँ पर क्या डालना है, आपका डिस्क्रिप्शन देना है, रीजन देना है कि आप क्यों, आपका क्या पर्पज है पास बनवाने का, आप क्यों बनाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, तो आपका एक यहाँ ट्रूथ और एकदम रियल इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। अगर आपने त्रुटि कर दी यहाँ पर या कोई मिस्टेक कर दिया, आपने कुछ गलत भर दिया जिससे अगले अधिकारियों को देख कर लगा कि इसमें भी ऐसा गलत लग रहा है तो वे आपके रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, और उस पर आपको जुर्माना भी लग सकता है, आप इस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए यदि आप रियल में ही कहीं जाना चाहते हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, जरूरी है, तभी ई पास अप्लाई करें, अन्यथा आप अपने घर रहें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप कौन से प्लेस को विजिट करना है उसका डिस्ट्रिक्ट यहाँ मेंशन करना है, और उसके बाद आपको जो कौन सी तिथि से किस तिथि तक जाना है, अर्थात कब से कब तक के लिए पास अप्लाई करना है, तो यहाँ पर उस तिथि को डालेंगे जब आप जाएंगे और कब तक लिए है वो तिथि यहाँ डाल देंगे, ठीक। उसके बाद जो है आपका जो एक एड्रेस प्रूफ डालेगा, इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कुछ भी हो उसका एड्रेस प्रूफ यहाँ डालना है, उसको यहाँ अपलोड
कर देना फोटो लेकर के। यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। उसके बाद अगर यदि आप वाहन से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल बाइक से किसी भी तरीके से जा रहे हैं, तो आप उसका व्हीकल नंबर डाल दीजिएगा यहाँ पर, अगर यदि आपका अपना है तो ठीक है। और यदि आप बैंक की सरकारी गाड़ी से तो कुछ की आवश्यकता नहीं है ठीक। आपका मेडिकल फिटनेस अच्छा है तो आपको यहाँ मेडिकल डॉक्यूमेंट भी देना होगा ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है टिक का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप टिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहीं पर सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आप सबमिट कर दीजिएगा ठीक। सबमिट होने के बाद ये जो आपका जो है आवेदन जो स्वीकार कर लिया जाएगा, अर्थात उनके पास ही आवेदन पहुंच जाएगा। फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आप उस रजिस्ट्रेशन को अपने पास रखेंगे और जैसे ही कुछ दिनों के बाद यानी कि 24 से 48 घंटे के बाद आप इसको यहाँ पर आकर के इसमें ऑप्शन रखा ट्रैक योर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर, वो रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर आपको ट्रैक कर लेना है। यदि आपका जो है स्वीकार कर लिया गया है तो आपको यहाँ से आप इसे प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। यदि आपका रिजेक्ट हो गया तो यहाँ का रिजेक्ट का मैसेज आपको मिल जाएगा ठीक है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमारी से वेबसाइट से भी देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने इसका पूरा। ई पास कितने दिन में अप्रूव होता है, तो देखिए ई पास का जो अप्रूव होने का समय है वो 5 से 3 दिन का है, जैसे तो 24 घंटे में हो सकता है, परंतु कभी कभी इसमें 7 दिन भी लग सकते हैं। यदि आपका कोई आपातकालीन कार्य है, इमरजेंसी आपको है कि आज को कल ही जाना है, तो आप एक काम कर लीजिएगा कि आप फिर इस ई पास के चक्कर में ना पड़कर आप जो सीधा एसडीएम डीएम से संपर्क कीजिएगा या अपने थाना अध्यक्ष से संपर्क कीजिएगा और वहाँ से जो बाय हैंड पास बनवा लीजिएगा ठीक है। और यदि आपका ई पास रद्द हो जाता है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, देखिए उसके कारण ये हो सकते हैं कि इसमें या तो आपने जो सूचनाएं दी हैं वो आपके गलत हैं, वो कारण आपका उचित नहीं लग रहा, जो भी अधिकारी इसको चेक करते हैं उन्हें कारण उचित नहीं लग रहा है, और जो भी उन्होंने इसमें सूचनाएं प्राप्त की हैं उन्हें लगा कि ये जेन्युइन नहीं है, ये एक केवल बनावटी फॉर्म है, तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं ठीक है। यदि आपको लगता है कि आपने बिल्कुल जेन्युइन भरा और आपका जाना आवश्यक है और उसके बाद भी आपका जो है रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप नज़दीकी अपनी जो एसडीएम है या थाना अध्यक्ष साहब उनसे जाकर मिलिए, उसकी शिकायत कीजिए और वो आपको बाई हैंड भी पास दे देंगे ठीक है। और अब मैं बताता हूँ आपको ई पास कहाँ जाकर अप्लाई करना है, तो देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पर लिंक दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है लिंक, आप वहाँ से जाकर के भी पास अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा था ई पास अप्लाई करने का मेथड ठीक। यदि फ्रेंड्स अब भी यदि आपको किसी को समस्या आ रही है कि ई पास अप्लाई करने से को संबंधित कोई प्रश्न है आपके मन में या कोई समस्या है या आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में आकर के बता सकते हैं ठीक है, मैं आपको वहां से सुझाव दे दूंगा ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।